हेलो एवरी बॉडी वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेज कैसे हैं आप सब होप आप सब ठीक होंगे तो वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर्स सेशन जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर करवाना स्टार्ट किया है तो होप आपको ये सेशन हमारा पसंद आता होगा अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक like करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन तो आज के हमारे सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हु हैज़ बीन नेम द एम्बेसडर ऑफ द इंडो यू कल्चर प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर जिसे बोला जाता है तो किससे हमें यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया है इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म है क्या चीज़ है किस चीज़ के लिए बनाया गया तो ये जो हमारा इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म है ठीक है पहले तो इसकी बात करते हैं इसका एम्बेसडर जो बनाया गया वो बनाया गया ए आर रहमान को जिसे आप जानते हैं कि वो हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं ठीक है थीके? अगर हम बात करें इंडो यू के कल्चर प्लेटफॉर्म की तो ये बनाया गया है किस चीज़ के लिए हमारे एमरजिंग आर्टिस्ट को एमरजिंग आर्टिस्ट को बूस्ट करने के लिए ठीक है जो हमारे एमरजिंग आर्टिस्ट हैं नए ठीक है उनकी कलेब्रेशन को किस चीज़ के लिए उनके कोलेब्रेशन को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है हमारा इंडो यू कल्चर प्लेटफॉर्म ठीक है होप तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का जो न्यू एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है वो बनाया गया हमारे इंजन ए आर रहमान को तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री दैट हैज़ लिगलाइज द कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मरीज जो तो मरीज जो पहले हम जान लेते हैं कि मरीज जो क्या चीज़ होती है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए तो मरीज जो क्या होता है ये ड्राइड लीव्स होते हैं क्या होते हैं ड्राइड लीव्स ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स किस चीज़ के होते हैं ये ड्राइड लीव्स एंड फ्लार्स ये होते हैं ड्राइड लीड एंड ड्राइव लीव्स एंड फ्लावर्स हमारे कैनिबस इंडिका प्लांट के ठीक है किस चीज़ के कैनिबस इंडिका प्लांट के जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ की भाषा में क्या बोला जाता है यहाँ की भाषा में भांग बोला जाता है ठीक है तो कौन सी एशियन कंट्री ने इसे लीगलाइज कर दिया है इसकी कल्टिवेशन को तो वो किया है थाईलैंड ने ठीक है थाईलैंड ने इसको लीगलाइज कर दिया है इसकी कल्टिवेशन को लीगलाइज कर दिया है और इसकी प्रोसेसिंग को भी क्या कर दिया है लीगलाइज कर दिया है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है कि हु हैज़ बीन नेम्ड अ ग्लोबल सस्टेनेबल डिवलपमेंट गोल्ड पायनर फॉर वाटर स्टिवर्डशिप बाय द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ठीक है दो तीन चीज़ें इसमें आप याद रखेंगे पहले एस डी जी हमारे पास क्या होता है ठीक है एस डी जी हमारे पास होता है सस्टेनेबल डिवेल्पमेंट गोल एंड सेकेंड वन यू एन जी सी हमारे पास क्या होता है यू एन जी सी होता है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट तो इसका पाइनर किस को बनाया गया है वो हमारा क्वेश्चन है तो इसका पायनर जो है ये बनाया गया हमें रामाक्रिश्ना मुकाविली को ठीक है रामाकृष्णा मुकाविली को बनाया गया पाइनर किस चीज़ के लिए वाटर स्टीवनशिप वाटर स्टीवनशिप के लिए किस किसने बनाया यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट ने बनाया है ठीक है तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं कि हमारे पास वाटर स्टीवरशिप क्या चीज़ होती है तो वाटर स्टीवरशिप क्या होता है वाटर स्टीवरशिप होता है कि हमें वाटर को उस तरीके से यूज़ करना है कि वो सोशली क्या हो इक्विटेबल हो ठीक है सोशली इक्विटेबल हो हमारे पास इन्वामेंटली सस्टेनेबल हो हमारे पास ठीक है और थर्ड वन जो है इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो हमारे पास ठीक है इस तरीके से हमने वाटर को यूज़ करना है कि वो सोशली इक्विटेबल हो हर एक बंदे को जितना पानी चाहिए उसे उतना ही पानी मिले ठीक है सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या हो सस्टेनेबल इकनॉमिकली सस्टेनेबल हो कि हम वाटर को उस तरीके से यूज़ करें कि हम अपने इन्वामेंट को डिस्टर्ब ना करें ठीक है हम अपने इन्वामेंट को पोल्यूट ना करें एंड थर्ड वन जो है हमारे पास रहता है वो रहता है हमारे पास इकोनॉमिकली बेनिफिशियल तो हमें पानी को उस तरीके से यूज़ करना है जिससे हमारी इकनॉमी पे भी कोई असर ना पड़े तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रम हंट सिंड्रोम कि हमने बताना है कौन सी वायरस रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए रम हंट सिंड्रोम के लिए जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा इस वर्ड को क्यों सुना होगा हमने रिसेंटली इस वर्ड को न्यूज़ में क्योंकि हमारे जो जस्टिन बाइबर हैं उन्हें भी क्या हुआ है या सिंड्रोम हुआ है तो ये हमारे पास रम से हंट सिंड्रोम है क्या चीज है सिंड्रोम क्या करता करता है ये पैरालाइज़ है वन साइड ऑफ फेस को ठीक है क्या करता है हमारे पास ये पैरालाइज़ कर देता है वन साइड ऑफ फेस ठीक है इससे क्या होता है हेयरिंग लॉस भी हो जाता है जो फेस की साइड आपकी पैरालाइज हो जाएगी ठीक है उस साइड से आप का जो एयर है ठीक है वो हेयरिंग लॉस भी हो जाएगा उसमें ठीक है वो सुन नहीं पाएगा उस साइड के एयर से तो कौन सी वायरस रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेरीशिला जोस्टर वायरस इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे ठीक है पहली चीज़ रमसे हंट सिंड्रोम क्या करता है पैरालाइज कर देता है वन साइड ऑफ फ्रेस एंड सेकेंड थिंग जो हमारे पास रहेगी कि कौन सी वायरस रिस्पॉन्सिबल रहती है तो वायरस है हमारे पास वेरीशिला जोस्टर वायरस होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ट्वेल्थ डब्ल्यू टी ओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी सिटी में स्टार्ट की जाएगी तो वो स्टार्ट की जाएगी हमारे जनेवा में ठीक है द ट्वेल्थ डब्ल्यू टी ओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विल बिगन इन विच सिटी इट विल बिगन इन जनेवा ठीक है होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी ठीक है <coughs> तो डब्ल्यू टी ओ क्या रहता है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है ठीक है इसका क्वार्टर कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर भी हमारे पास कहाँ पे है जनेवा में है होप आपको ये चीज़ पता चल के होगी नेक्स्ट की, की तरफ बढ़ते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने डेडिकेट किया है नेशन दारोहर नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जी इन विच स्टेट्स ठीक उन्होंने डेडिकेट किया नेशन नेशन धारोहर नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी कौन सी स्टेट को डेडिकेट किया ये डेडिकेट किया है हमारी गोवा सिटी को ठीक है किसको डेडिकेट किया है हमारी गोवा सिटी को तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसेंटली वोटेड टू बैन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाई विच ईयर तो जो हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने रिसेंटली वोट किया है किस चीज़ के लिए हमारी जो पेट्रोल कार्स हैं और डीज़ल्स कार हैं डीज़ल की कार से इन्हें बैन करने के लिए वोट किया है कब तक उन्होंने कहा कि 2035 तक हमने डीज़ल कार्स को और हमारी जो डीज़ल कार्स हैं और हमारी जो पेट्रोल कार्स हैं इन्हें बैन कर दिया जाएगा क्यों बैन कर दिया जाएगा इन चीज़ों को इन्हें बैन कर दिया जाएगा किस चीज़ के लिए कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए फ़ाइट कर सकें ठीक है आपको पता है कि हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है पोल्यूशन की वजह से ठीक है जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं इनसे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है ठीक है तो इन पोल्यूशन को रोकने के लिए हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया है वोट किया है के न्यू पेट्रोल कार्स और डीजल्स को बैन कर दिया जाएगा टू तक ठीक है टू से पहले पहले और क्या किया जाएगा और यहाँ पर क्या किया जाएगा यहाँ पर यह किया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल वहीकल्स को डिवेल्प किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है किस चीज़ को डेवलप किया जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डेवलप किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली नोटिफाई किया है हमारे फिफ्टीथ प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए ठीक है पहली चीज़ कौन से नंबर ऑफ फ़िफ्टीथ प्रेसिडेंट के लिए ठीक है मतलब फिफ्टीथ नंबर प्रेसिडेंट जो बनेगा अब हमारे इंडिया में ठीक है उसको नोटिफाई किया उसके इलेक्शन को नोटिफाई किया तो हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है ठीक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट कौन सा आर्टिकल हमें बताता है इलेक्शन ऑफ़ प्रेसिडेंट के बारे में तो वो है हमारा आर्टिकल 54 जो बताता है हमें किस चीज़ के बारे में इलेक्शन ऑफ़ प्रेसिडेंट के बारे में तो इसमें जो जानने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आर्टिकल 54 है वो क्या कहता है किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है इलेक्शन ऑफ़ प्रेजिडेंट को डिफ़ाइन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रिसेंटली आपने देखा होगा फोर्टीन आसम रहन सेंसस कंडक्ट किया गया ठीक है कौन सी नेशनल पार्क में ये कंडक्ट किया गया हमें वो बताना है ठीक है फोटीन आसाम राहनो सेंसस जो कंडक्ट किया गया है वो किया गया है मानस नेशनल पार्क में ठीक है कहाँ पे कंडक्ट किया गया मानस नेशनल पार्क में अगर हम बाकी तीन पार्क्स की बात करें हमारा नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पे है ये है हमारा मेघालय में ठीक है अगर हम दिब्रू नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा कहाँ पे है ये आसाम में है ठीक है और अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी कहाँ पे है हमारा आसाम में है तो ये तीन चीज़ें भी आप याद रखेंगे नौकरिक नेशनल पार्क कहाँ पे है मेघालय में दिब्रू साखो <ोवा> नेशनल पार्क कहाँ पे है आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है आसाम में और मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर आसाम में जहाँ पे रिसेंटली क्या किया गया फोर्टीन आसाम रहनो सेंसस कंडक्ट किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने रेड फ्लैग बिल को पास किया ठीक है ये रेड फ्लैग बिल क्या है ये रेड फ्लैग बिल हमारे पास फ़र्स्ट टाइम जो कंडक्ट किया गया था काम पे कंडक्ट किया गया ये फर्स्ट टाइम जो कंडक्ट किया 1999 में कंडक्ट किया गया था ठीक है कनेक्टिकट में कंडक्ट किया गया था किस चीज़ के लिए गन को बहन करने के लिए तो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इस बिल को पास किया है यूनाइटेड स्टेट ने पास किया है किस चीज़ के लिए गन कंट्रोल मेजर्स के लिए पास किया कि टेम्प्रेरली हम क्या कर सकें फायर आर्म्स को रिमूव कर सकें ठीक है फायर आर्म्स को बैन कर सकते हैं अगर किसी भी किसके पास है सिटीजन्स के पास वो फायर आर्म्स हैं ठीक है क्यों अगर उससे किसी भी कम्युनिटी को थ्रेट होता है या फिर उस इंसान इंडिविजुअल को भी थ्रेट होता है तो उस चीज़ को बैन करने के लिए जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं स्टेट को बता सकते हैं ठीक है पैटेंश पटेशन डाल सकते हैं इस चीज़ को बैन करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है हमारी इंडिया की इन्होंने काम स्टार्ट किया है न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का तो कौन सी स्टेट में ये काम स्टार्ट किया गया है ये स्टार्ट किया गया है गुजरात में कहाँ पे गुजरात में बनने जा रहा है हमारा न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ठीक है तो रिसेंटली जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी है इन्होंने इस काम को अंडरटेक किया है ठीक है इसकी कंस्ट्रक्शन को अंडरटेक किया है कहाँ पर हमारे गुजरात में अंदर ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमें बताता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसकी ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है कितना सेवन पॉइंट वन परसेंट कब हमारे अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ठीक है तो जो हमारे पास ये इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ठीक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये हमें बताता क्या है ये शो करता है ये हमारे पास शो करता है परफॉर्मेंस वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर की ठीक हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता है शो करता है हमारे पास क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक है नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं किलोनॉइडिस फैंटास्टिकस रिसेंटली डिस्कवर किया गया ठीक है आफ्टर अ सेंचुरी लगभग सौ साल के बाद इसको वापस से डिस्क डिस्कवर किया गया है तो हमें बताना है ये कौन सी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करता है तो ये बिलोंग करता है हमारी टॉर्टाइज को ठीक है किसको बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है हमारी टॉर्टाइज को ठीक है इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे क्या बोला जाता है फैंटेस्टिक ठीक है फैंटेस्टिक जेंट टोरटाइज भी बोला जाता है ठीक है क्या बोला जाता है फैंटेस्टिक जेंट टोर्टाइज भी बोला जाता है या फिर कॉमनली इसको फर्नेंडीना आईलैंड गैलापोगस भी बोला जाता है फर्नेंडीना आइलैंड गैला पोगस भी इसे बोला जाता है ठीक है दोबारा से रिपीट करता हूँ फर्नेंडीना आईलैंड गैला पोगस जेंट टोटाइज़ भी इसे बोला जाता है तो ये कौन सी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करता है ये हमारी टॉरटाइज को बिलोंग करता है नेक्स्ट अगर हम आगे देखें द वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया तो हमें बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया तो इसे किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जिसे क्या बोला जाता है आई एल ओ बोला जाता है ठीक है तो वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया ये कहाँ पे किया जनेवा में किया गया ठीक है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया इसे इसे किया है? हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्या बोला जाता है आई एल ओ बोला जाता है इसमें किया क्या गया इसमें डिस्कस की जाएंगी चैलेंजेस ठीक है डिस्कस की जाएंगी चैलेंजेस रिलेटेड टू हमारी इनक्वालिटीज़ ठीक है इनक्वलिटीज़ उसके बाद हमारा क्लाइमेट चेंज और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या की गई डिस्कस की गई ठीक है नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड ग्रीन ओपन एसेस रूल 2022 कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है नोटिफाई किया ग्रीन ओपन एसेस रूल तो ये किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ठीक है इसमें किया क्या गया इसमें किया ये गया कि हमने क्या करना है एजिलेट करना है हमारी रिनीबल एनर्जी प्रोग्राम्स को हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो रूनीबल एनर्जी है उसे एजिलेट करना है उसे यूज़ करना है उसके लोगों को उसकी यूजेज बतानी है लोगों को बताना है कि हमने रिनीबल एनर्जी का क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े हमारे आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेप लिए हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग ठीक है किस चीज़ के रिगार्डिंग हमें ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग जो ऑर्डिनेंस लाना है ठीक है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये स्टेप लिए हैं तो ये रिसेंटली स्टेप लिए हैं हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो ये था हमारा आज का सेशन रिगार्डिंग करंट अफेयर होप आप सब ये सेशन पसंद आया होगा तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने बिगनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बिगनर क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आपको हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करें ठीक है तो अगर आप जेके एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेके एस के किसी भी एग्ज़ाम की पंचायत सेक्रेटरी वी एल डब्ल्यू जिसे कहते हैं ठीक है या फिर स्टॉक असिस्टेंट फाइनेंस फाइनेंसाइट तो उसकी सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएं वहाँ आप, आप स्टॉक असिस्टेंट और वी एल डब्ल्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से आप बाकी लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं थैंक यू सो मच